सम्मानी सज्जनों एवं देवियों, कुछ लोगों का मानना है कि जिस प्रकार से वृक्ष वनस्पतियां होती हैं, उसी प्रकार से जानवरों की देह भी होती है, और वे दोनों को समान मानते हैं। वृक्ष वनस्पतियों में भी वे जीव की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि इनमें भी जीव होता है, और ऐसा मान करके वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि जैसे वृक्ष वनस्पतियों के फल फूल साग सब्जी आदि खाना कोई छोड़ नहीं सकता है और उनको खाने से कोई दोष नहीं है, इसी प्रकार से यदि बकरी मुर्गी मछली और अन्य किसी जानवरों का मांस खाया जाए तो वह भी निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जैसे वृक्ष वनस्पतियों को खाने से कोई पाप नहीं है, वैसे इन जानवरों के मांस को खाने से कोई पाप नहीं है। लेकिन ऐसा तर्क, ऐसी दलील देना बिल्कुल ही गलत है। दोनों में बहुत अंतर है, और दोनों को एक समान समझ लेना ये बुद्धि का दिवाला निकल जाना है। संसार में ये सब जानते हैं कि साग सब्जी और उधर जीवों का मांस में कितना अंतर है। विज्ञान भी मानता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। जहाँ जीव होते हैं उनके कुछ अलग लक्षण होते हैं, और उन लक्षणों से यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर जीव हैं। जीवों के रहने के जो लक्षण हैं वे इस प्रकार से हैं। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता होए, ये लक्षण जहाँ पाइए जीव जानिए सोए। जहाँ जहाँ देहधारियों की बात है और उनमें जीव होते हैं, उनमें ये पांच लक्षण होने निश्चित हैं। चाहे छोटे या बड़े कोई भी प्राणी हों, उनमें ये पांच लक्षण होना ही है। पहला लक्षण है इच्छा। चाहे चींटी हो, भुनगा हो, मच्छर हो, और गाय घोड़े गधे हाथी ऊंट कोई भी जानवर हो, हर प्राणी में इच्छा होती है। मच्छर अपनी इच्छा अनुसार ही बैठ करके आकर के वो काटने लगता है। चींटी इच्छा अनुसार इधर से उधर, उधर से इधर चलती रहती है, जहाँ उसको अनुकूलता लगती है उधर चलती रहती है, और जहाँ लगा कि खतरा है, यहाँ दुख है, समस्या आ जाएगी या प्रतिकूलता है, वहाँ से वो मुड़ जाती है, विपरीत हो जाती है। तो हर प्राणी में इच्छा होते हैं, छोटे बड़े कोई भी देहधारी हों, सब में अपने अपने ये पांच लक्षण पाए जाते हैं। क्रियाएं, हर प्राणी में एक क्रिया, पकड़ने की, छोड़ने की, करने की, देखने की, सुनने की, खाने की, इस प्रकार से अनेक क्रियाएं होती हैं। वृक्ष वनस्पतियों में ऐसा नहीं देखा जाता, ना उनमें कोई इच्छा है। पास में ही पानी भरा हुआ होते हुए भी सूख रहा हुआ पौधा उस पानी को ग्रहण नहीं करता और उसका लाभ नहीं ले पाता, भले ही सूख जाए, कोई दूसरा आकर के उसमें डालेगा तभी वो हरा भरा हो सकता है। लेकिन पशु पक्षियों में ऐसी बात नहीं है, उनमें अगर प्यास लगेगी, पास में कहीं पानी है, दिख रहा है, तो उधर वो प्रयास करेंगे, उधर वे चलेंगे, जा करके अपने दुख को, प्यास को मिटाना चाहेंगे। इसी प्रकार उनमें कोई भी सुख दुख की अनुभूति होगी, वे स्वेच्छा से उसको समाप्त करना चाहेंगे। वृक्ष वनस्पतियों में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ना वहाँ इच्छा है और न क्रिया है। स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया है कि तत्वों के सहयोग से और उनके संयोग से वे बढ़ते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और समय से सूखते हैं। लेकिन इच्छायुक्त, ज्ञानयुक्त, सुख दुख युक्त ऐसी कोई क्रिया नहीं है। अवस्था, जहाँ जहाँ देहधारी होते हैं, जहाँ जहाँ जीवों का वास होता है, वहाँ अवस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं। वो अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं।
जागृत की अपेक्षा से अर्ध सुसुप्ति होती है। अर्ध सुसुप्ति में ही फिर निद्रा आती है, स्वप्न आते हैं। तो जब व्यक्ति या कोई भी प्राणी जागने से चलते फिरते करते सोचते बोलते थक जाता है, तब फिर उसको नींद आती है और नींद में ही स्वप्न आते हैं। लेकिन इन वृक्ष वनस्पतियों में इनको कब नींद आती है और जागते हैं तो जागने में कौन सा कार्य करते हैं, किस कारण से थकते हैं कि नहीं थकते हैं, और फिर इनको स्वप्न जागृत में ही संस्कारों का ग्रहण होता है। वृक्ष वनस्पतियों में संस्कार कब ग्रहण होते हैं और फिर वो कौन से संस्कार ग्रहण करते हैं, कोई उनमें संस्कारों में गुण या दोष दिखाई ही नहीं देते हैं। बीजी असर से मीठे फल के पौधे मीठे फल देते हैं, खट्टे फल के पौधे खट्टे देंगे, कड़वे फल के पौधे वे कड़वे देंगे, बीजी असर से होते हैं, लेकिन संस्कारानुसार नहीं होते हैं कुछ वहाँ। तो संस्कार होते ही नहीं क्योंकि वहाँ जागृत नहीं, जागृत ना होने से संस्कार नहीं ग्रहण करते और जागृत ना होने से उनमें सुसुप्ति नहीं होती और सुसुप्ति ना होने से वहाँ स्वप्न भी नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं कि वृक्ष वनस्पति निरंतर सुसुप्ति में रहते हैं, यह भी कथन निर्दोष नहीं है क्योंकि केवल सुसुप्ति बने रहना ये संभव नहीं है, किसी न किसी ढंग से वो जागृति होना आवश्यक है। बिना जागृति के सुसुप्ति माना ही नहीं जा सकता है। तो ये बातें बिल्कुल तर्कहीन है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए लाजवंती पौधा होता है, उसको छूने से वो मुरझा जाती है, उसमें जीव होता है और जीव होने से उसको छूने से वो मुरझाती है, पत्तियां संकुट हो जाती हैं, उसको लज्जा लगती है, इसीलिए उसे लाजवंती भी कहते हैं। लेकिन यह भी कथन गलत है। लज्जा तब होती है जब आँखें होती हैं, आँखों से देख करके किसी को, तब फिर उसके स्पर्श से और किसी ढंग से लज्जा होती है। और लज्जा जब आंखें नहीं हैं तब फिर लज्जा कैसी, और फिर क्या वो लाजवंती हवा से भी, सूखी लकड़ियों से भी, अन्य जीव जंतुओं से भी, प्राणियों से भी, सबसे लजाती है? बिना आंखों के, बिना ज्ञान के और बिना इच्छा के और बिना चैतन्यता के लज्जा की कोई बात ही नहीं है। ये स्वभाव है उसका, प्राकृतिक जड़ स्वभाव उस वनस्पति का। वो किसी भी कारण से जब उसको झटका लगता है, हवा के झोंकों से दूसरी लकड़ियों टहनियों का स्पर्श होता है, तो उसी से वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इसलिए उसे हम नहीं कह सकते हैं कि लज्जा लगती है। जहां जहां देहधारियों की बात है, जहां जहां जीव होता है, वहाँ वहाँ उन देहधारियों में कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ और मन होते हैं। कर्मेंद्रियों से वे पकड़ना छोड़ना, चलना खाना बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, ये सब करते हैं और इनके अपने संस्कार ग्रहण होते हैं, इनसे सुख दुख का अनुभव होता है। और ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख नाक कान जीभ चाम, और इनसे संसार का वे बाहर विषयों का वो ज्ञान करते हैं। मन से फिर उन्हीं द्वारा किए गए, ग्रहण किए गए संस्कारों को फिर वो कालांतर में मनन चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उसके सुख और दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन वृक्ष वनस्पतियों में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, ना उनमें कोई कर्म इंद्रिय है कि वे पकड़ें छोड़ें और मलमूत्र का विसर्जन करें, न कोई ज्ञान इंद्रिय है सुनने की, देखने की, छूने की, खाने चखने की, स्पर्श करने की। और फिर कालांतर में इन ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को फिर सोचने, मनन चिंतन करने, स्मरण करने के लिए उनके पास मन के भी कोई लक्षण नहीं है, कोई संस्कार नहीं ग्रहण होते। इन सबसे भी पता चलता है कि वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं होते हैं। इन वृक्ष वनस्पतियों में कोई अवस्थाएं भी नहीं है,
जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इनको कोई ज्ञान का अनुभव नहीं होता, इनमें प्रिय अप्रिय का भी अनुभव नहीं होता। और प्राणी पदार्थों को ग्रहण त्याग करने के लिए भी इनके पास ज्ञान नहीं है। ये बीजी असर से मिट्टी पानी आग हवा का जब ये संयोग पाते हैं, तब काफी दिनों तक अनुकूल वातावरण पाने से ये नष्ट नहीं होते। यहाँ तक कि कई दिन, सप्ताह और महीनों तक अगर अनुकूल वातावरण में, नमी जगह में इन बेली लता पौधे और वृक्ष वनस्पतियों को, गुल्मों को रख दिया जाए तो सूखते नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी प्राणी हो, अगर उसमें से जीव निकल जाए तो चाहे जितना अनुकूल वातावरण हो, शरीर को बदसकल होने में देरी नहीं लगती, कुछ ही घंटों में वो बदसूरत होने लगते हैं। और वृक्ष वनस्पतियों में एक ही पौधे से कई पौधे, एक ही लता को काट काट कर बहुत सारे पौधे तैयार कर दिए जाते हैं, और कलम करके बहुत सारे उसमें उनकी अनेक प्रजातियां बदल दी जाती है, अनेक पौधे बन जाते हैं। प्राणियों में ऐसा नहीं होता है। एक प्राणी के पैर को काट करके दूसरा प्राणी बना दिया जाए, उसके हाथ को, उसके कान को, और उसके और किसी अंग को काट कर और फिर कई प्राणी बन जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। वृक्ष वनस्पतियों में ऐसा होता है। इससे भी ये पता चलता है कि वे निर्जीव हैं, तत्वों के संयोग से, और उनकी बनावट, उनकी गांठें, उनकी शाखाओं से अनेक चीज़ें बनती बिगड़ती रहती हैं, और अनेक पौधे उसमें तैयार हो जाते हैं। हाँ, वृक्ष वनस्पतियों को हम टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, पलंग, खड़ाऊ आदि जैसा नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे टेबल कुर्सी आदि बढ़ते नहीं हैं और वे फलते फूलते नहीं हैं, किंतु वृक्ष वनस्पतियां जो हैं वे फलते फूलते बढ़ते हैं। तो अभी तत्वों के सहयोग से बीजी असर से ही होता है, और जब तक उनकी अवधि है तब तक वे जड़ तत्वों का सहयोग लेकर के बढ़ते हैं। लेकिन ये वैसे ही हैं जैसे बाल, अनेक प्रकार से शरीर में जो बाल होते हैं, शरीर रूपी आधार को पा करके वे बढ़ते हैं, लेकिन हम बालों को सजीव नहीं कह सकते। नाखून बढ़ते हैं, पत्थर बढ़ते हैं, कंकड़ पत्थर जगह जगह जमीनों में बढ़ते हैं, इसीलिए समय से पर्वत बड़े हो जाते हैं। आज जिसे हिमालय पर्वत कहा जाता है, समय से काफी वो निचले स्तर में थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज पृथ्वी तल की सर्वश्रेष्ठ चोटियां हिमालय की हो गई हैं। और मांसाहार शाकाहार ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, दोनों का अलग अलग विभाग होता है। अगर एक ही मान लिया जाए कि जैसे वृक्ष वनस्पतियां होती हैं वैसे अन्य जीवधारी होते हैं, तो फिर जो लोग वृक्ष वनस्पतियों से फल फूल सब्जी आदि खाते हैं, उन्हें यह भी कहा जा सकता है कि ये भी मांस खाते हैं। फिर हिंसा और अहिंसा, पाप और पुण्य का कोई निर्धारण ही नहीं रह जाएगा, पवित्रता अपवित्रता का कोई निर्धारण ही नहीं रह जाएगा, ये सब कोई जानता है। एक बाजार से जब कोई व्यक्ति साग सब्जी लाकर के घर में काटता छांटता पकाता है, उसके मन की दशा और एक हत्यारा और मांसाहारी व्यक्ति जब वो जा करके मांस लाता है और काटता छांटता बनाता है, उसके मन की दशा और दोनों को प्राप्त करने की युक्तियां कितनी अलग अलग है। कितना भी मांसाहारी कोई भी क्यों ना हो, जब वो मांस के बाजार में जाता है तो उसके मन में वो प्रसन्नता नहीं रहती। वो उस बधिक को देख करके, एक खूंखार जो तलवार लिए हुए प्राणियों को मार काट रहा है, उसकी दशा देख करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके रोंगटे न खड़े हो जाते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ सब्जी और फूल फुलवारियों के बाजारों में जब जा करके घूमते हैं तो कितना अच्छा लगता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। ताज़ा और सब प्रकार से सुंदर हरी सब्जियों को देखकर, फूलों को देख करके मन आह्लादित हो जाता है। इस प्रकार
वृक्ष वनस्पतियां और जड़ पौधों में और इधर जीवों में बहुत ही अंतर है। जगदीश चंद्र बसु से एक बार किसी ने पूछा कि क्या वृक्ष वनस्पतियों में भी जीव होते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, उनमें लाइफ तो है किंतु सोल नहीं है। मतलब जीवन तो है, वे टेबल कुर्सी की तरह नहीं है, वे बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है और घटना बढ़ना होता है, उनका ह्रास होता है, लेकिन हाँ उनमें सोल नहीं, आत्मा नहीं। जब आत्मा नहीं है तब उनको हम देहधारी जीवधारी कैसे कह सकते हैं? तत्वों के सहयोग से वे बढ़ते हैं और उनके बढ़ने से, तत्वों के सहयोग से हम इस प्रमाण को देह उनके अंदर जीव की कल्पना करें, ये बिल्कुल बेकार है। ये जड़ तत्वों के अपने स्वभाव कुछ होते हैं जिनमें घटना बढ़ना तो होता ही है। जैसे पहले बताया गया कि पत्थर बढ़ते हैं, पहाड़ बढ़ते हैं, बाल बढ़ते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो जीव भक्षी होते हैं, जीवों को पा करके उनकी पत्तियां वो उनको बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वे जीव भक्षी हैं। उन वृक्षों में ऐसी कुछ शक्ति होती है, जड़ की शक्ति, कि जो उन जीवों के देहों को पा करके उससे वे आकर्षित होकर उनके पत्ते उनको बंद कर लेते हैं और जब तक वे जीव नष्ट नहीं हो जाते तब तक वे खोलते नहीं। तो इससे नहीं ये सिद्ध होता है कि वे जीव भक्षी हैं। अगर ऐसा ही माना जाए तो चुंबक को लोहा भक्षी कहना पड़ेगा। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, तो क्या चुंबक लोहा भक्षी जीव है? जीव नहीं है, बल्कि उसका अपना जड़ स्वभाव है और वो लोहा को सामने पा करके अपनी ओर खींचता है। वृक्ष वनस्पतियों में जीव नहीं है, इस प्रकार पारक सिद्धांत में अनेक महापुरुषों ने पूरा काल से इसका खूब वर्गीकरण किया है। ऋषि मुनियों ने, संतों महापुरुषों ने, कोई भी विवेकवान हो वो इसका अलग अलग वर्गीकरण अपने आप स्वतः करता है। सबका दिल ही बता देता है कि वृक्ष वनस्पतियां और जीव जंतुओं में अंतर है कि नहीं। अगर ईमानदारी से हम इस पर विचार करेंगे तो बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी के कहे, बिना कहीं सीखे, अपने आप पता चल जाता है कि जीव अलग हैं और वृक्ष वनस्पतियां अलग हैं। तो इन चीज़ों को हम समझें, पारक सिद्धांत इसका खूब स्पष्ट वर्गीकरण करता है और सद्गुरु कबीर का जो ये विचार है और उनका सिद्धांत है, ये कारण कार्य व्यवस्था के नियम के अंतर्गत ठोस, वैज्ञानिक और एकदम धरती पर इतना ज्वलंत है कि इसके समान और क्या उदाहरण हो सकता है। इसलिए जीवों की हत्या से हमें बचना चाहिए। जो जीवों को मारता, काटता, खाता है वो अत्यंत जघन्य है और इस प्रकार हिंसा करके जीवन को चलाना बहुत ही पापपूर्ण है। सद्गुरु राम रहस साहब ने कहा है कि जीव भक अंकुरज भखय सो मानवा, मांस भखय सो स्वान, जीव भखय सो काल है सदा नरक परमान। अंकुरज भखय सो मानवा, जो मनुष्य प्रकृति के लोग हैं, कोई भी हों, किसी भी देश काल परिस्थिति के हों, किसी भी संप्रदाय मत पंथ को मानने वाले हों, उनकी मानवीयता यही है कि वे अंकुरज को खाएं। अंकुरज का मतलब वृक्ष वनस्पतियों, गुल्म लता आदि से निकले हुए खाद्य पदार्थ, चाहे वे पत्तियां हों, फूल हों, बीज हों, फल हों, कोई भी चीज हों, इनको खाना शरीर के लिए लाभकारी भी है और निर्दोष है। और मांस भखाय सो स्वान, जो मांस खाता है ये स्वानपन है, कुत्ते की आदत है। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं उनकी स्वाभाविक प्रकृति होती है, प्रकृति ने उनको उनके कर्मों के तहत ही वैसी शरीर की रचना दी है, उनके शरीर की बनावट ही कुछ अलग ढंग की होती है। इस पर समय से हम पुनः विवेचन करेंगे
कि मांसाहारी और शाकाहारी प्राणियों की बनावट और दोनों में अंतर क्या है। तो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य शाकाहारी है पूर्णतः, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन चीजों का सर्वथा त्याग करे। जीव भखय सो काल, जो जीवों की हिंसा हत्या करे वो काल स्वरूप है। ऐसे लोग बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति को प्राप्त होते हैं। उनके मन में पवित्रता, शांति, सदाचार और सद्भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि इन जड़ वृक्ष वनस्पतियों के भेद और जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी आदि के भेद को अलग अलग अच्छी तरह से समझे और ऐसा समझ करके मन में दया क्षमा प्रेम और करुणा का भाव उत्पन्न करके सभी प्राणियों की रक्षा करे। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने समान मान करके जो बन सके सेवा करें, रक्षा करें और कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि किसी को दुख ना दें। बस इतना पर्याप्त है, इतना हमारे मन में अगर निश्चय हो जाए तो बहुत कुछ है। और फिर ये करते हुए वृक्ष वनस्पतियों से जीवन निर्वाह किया जाए और ये खाना पूर्ण निर्दोष है और इनमें किसी ढंग से कोई मन की मलिनता की बात ही नहीं है। हाँ, इसमें भी छीन झपट करके और अन्यायपूर्वक नहीं, अपनी कमाई का हो, अपना उपार्जन किया हो अथवा किसी के द्वारा श्रद्धा से प्रेम पूर्वक दिया गया हो, तो इस ढंग से जो अपने जीवन को चलाता है और सब प्रकार से सेवा सत्संग करते हुए परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ता है, उसका जीवन सब प्रकार से मंगलमय होता है और वो शांति कल्याण तथा परमार्थ दिशा में आगे बढ़ करके इसी जीवन में पूर्ण दुख निवृत्ति की दशा को प्राप्त करता है। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।